हाय गाइस, फिर से आप लोग और एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये जो व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग होने वाला है ऋषभ, एक जगह है नॉर्थ बंगाल में जो लावा से थोड़ा ऊंचाई में है। और हम लोग आज आए हैं एक बहुत ही शानदार रिसॉर्ट में, रिसॉर्ट यानी कि होम स्टे कह सकते हैं आप। और इस ये होम स्टे है ना, इसमें काफ़ी खासियत है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो अभी मैं आया हूँ मेरे एक दोस्त के साथ जो अभी वीडियो कर रहा है, मेरा दोस्त का नाम है मृत्युंजय, उसको भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो अभी चलिए, ये है एंट्री गेट। मैं रास्ते में ना काफ़ी जगह आया हूँ, मैं उसका थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। इस वीडियो का ये मतलब है कि मैं इस होम स्टे के बारे में अच्छे से बताऊँगा, यहाँ पे क्या क्या प्राइसिंग है, यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे आप आसपास क्या नज़ारा आप देख सकते हैं, साइट सीन क्या क्या है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्लोज द गेट, मतलब आप जब भी इसमें एंट्री करेंगे ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप बंद करेंगे। तो ये जो होम स्टे है, इस होम स्टे का नाम है सिल्वन स्टे ऋषभ। आप थोड़ा दिखा दीजिए वहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम स्टे का जो नाम है सिल्वन स्टे ऋषभ। और ये सबसे पहले वाला एक रूम है जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने चेक इन कर लिया है। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी सब कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसका की मेरे पास है, तो ये जो रूम आप देख पा रहे हैं, एक सेकंड मैं लाइट जला लेता हूँ। रूम है जो कि पर हेड 1500 करके, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1500 करके पर हेड यहाँ पे लिया है, जिसमें मान लीजिए लंच एंड डिनर इंक्लूडेड है, ठीक है। सुबह का ब्रेकफास्ट है क्या इंक्लूड? अगर आप लोग यहाँ पे सुबह के लिए रवाना होते हैं कहीं से भी, चाहे आप सिलीगुड़ी से आ रहे हैं या कहीं और से भी आ रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे पहुँचते हैं लगभग 11-12 बज जाता है, तो आपको सिर्फ लंच मिलेगा, डिनर और नेक्स्ट डे सुबह का ब्रेकफास्ट। तो हम लोग यहाँ पे एक दिन रहेंगे, बस आज का नाइट रहेंगे, और कल सुबह हम लोग थोड़ा 4-5 बजे उठ के हम लोग आसपास देखेंगे। यहाँ पे गाइड भी आपको मिल जाता है जो कि मान लीजिए 500 से 600 रुपये चार्ज करता है, ठीक है। तो चलिए, रूम का तो हो गया, आप लोगों को प्राइसिंग पता चल गया, तो चलिए अभी दिखाता है बाकी चीज़ें। तो आइए, तो एक जगह है जहाँ पे आप बेड बैठ सकते हैं, और यहाँ पे है रिसेप्शन जहाँ पे आके आप लोग चेक इन करेंगे, जब जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे देंगे। यहाँ पे एक भैया रहता है, और इसका जो ओनर है फिलहाल अभी नहीं है, होम टाउन पे गया हुआ है, आप लोगों के साथ मिलाऊंगा बाद में जब यहाँ पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे बैठ के आप लोग लंच करेंगे, डिनर करेंगे, काफ़ी अच्छा जगह है। और यहाँ पे अंदर जो जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, 2-3 भैया यहाँ पे हैं। और बाकी और एक स्पेशल जगह मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए बहुत ही क्यूट सा डॉग यहाँ पे है। और ये है वो जगह जहाँ पे मान लीजिए आप रात को बैठ सकते हैं, यहाँ पे आग वग लगाते हैं, बॉनफायर करते हैं, मान लीजिए आप चिकन वगैरह जो भी खाएंगे यहाँ पे, रोस्ट वगैरह शायद यहाँ पे करते हो, और एक जगह है। और यहाँ पे रात को बैठ के आप लोग अगर ग्रुप में आते हैं काफ़ी टाइम तक आप लोग यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आसपास इस साइड में कुछ नहीं है, उस साइड में है, और बैठने के लिए काफ़ी शानदार जगह है। हाय, तो ये नज़ारा आप सुबह उठ के और भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे थोड़ा बादल छाया हुआ है, अभी फ़िलहाल अच्छे से आप देख नहीं पा रहे, सुबह उठ के भी शायद आप देख सकते हैं। और इन लोगों का यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे कॉटेज सिस्टम किया हुआ है। इस कॉटेज सिस्टम का जो प्राइसिंग है लगभग 2500 समथिंग होगा पर हेड, है ना, 2500, यस, पर कॉटेज 2500, नहीं कॉटेज शायद नहीं, हाँ, पर पर्सन यहाँ पे 2500 करके हैं। और ये थोड़ा सा ऊपर है, देखते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिखा जाता है। तो यहाँ से भी आपको मस्त नज़ारा दिखेगा,
देखिए पूरा चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं ये वाला होम स्टे यहाँ पे बुक किया है। बहुत सारे जगहों में कॉल किया, यही एक मुझे अच्छा लगा, ऋषभ में थोड़ा ऊपर भी है और इससे आप काफ़ी अच्छा व्यू देख सकते। चलिए इस साइड में आके एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। शायद यहाँ पे पहले से बुकिंग है तो हम लोग अंदर तो जाके नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बुक है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। बस आप देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा रूम है, कॉटेज मिलेंगे और यहाँ पे आप लोगों को एक झूला मिलेगा जहाँ पे आप झूल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा जगह है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा फ्लावर्स भी है। अभी तो ठंड फिलहाल उतना नहीं है और थोड़ा रात जितना ज़्यादा होगा ना ठंड और भी बढ़ता रहेगा। नया नया जो भी गेस्ट और बाकी जगह से आए हुए उन लोगों के साथ मिलेंगे, क्योंकि अभी सब कोई रेस्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे आपको दिखाऊंगा बाकी का जो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ का जो ओनर है वो काफ़ी बिजी रहता है, हर जगह जाते आते रहता है। फिलहाल हम लोगों ने जब फ़ोन किया था वो बोला कि शाम तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे, उनके साथ भी आपको मीट कराऊंगा। अभी हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचेंगे, वीडियो वगैरह बनाएंगे, रील्स बनाएंगे और ये बाकी सारी चीज़ें आप लोग हमारे रील्स में ही देख सकते हैं। मैं अपना दोस्त का भी नीचे लिंक दे दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग रील्स वील्स बनाएंगे, बाकी जो भी हम लोग को दिखाना है आप लोग इस वीडियो में सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। और बाकी हम लोग रात को यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे बॉनफायर हो चाहे जो भी हो, हम लोग इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए रात को मिलते हैं, चलते हैं किचन पे और बात करते हैं आदर्श भैया और निर्बल भैया से, जो हम लोग का बहुत ख्याल रखते हैं यहाँ पे, सारे चीज़ों का जो ज़रूरत है वो सब चीज़ टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बात करते हैं, चलिए आइए। सो ये जो होम स्टे है यहाँ का, ये किचन है, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे आदर्श भैया से। तो आदर्श भैया जो है यहाँ पे हम लोग का जो चीज़ चाहिए नेसेसरी, तो आदर्श भैया बहुत ही ख्याल रखते हैं हमारा। साथ में निर्बल भैया भी है, निर्बल भैया ने बहुत ही हम लोगों का केयर किया है और जो भी चाहिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए आदर्श भैया, आपको यहाँ पे कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे यहाँ पे काम नहीं करते। अच्छा अच्छा, तो फिर भाई यहाँ पे काम नहीं करते। और यहाँ पे जो है ओनर है राजीव भैया। तो राजीव भैया थैंक यू फॉर दी अरेंजमेंट एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग फूड, थैंक यू वेरी मच। तो राजीव भैया कितने साल हो गया यहाँ पे? ये आपका अराउंड 15 इयर्स हो गया। फिर तो आपका रास्ता भी नहीं था, रास्ता भी नहीं था, वो लावा से पूरा ट्रैकिंग करके आना पड़ता। लंच डिनर यही पे ही होता है एंड बहुत सारे अदर्स गेस्ट भी है, विजिटर्स भी है यहाँ पे। আপনি কি বাঙালি? দাদার সাথে কথা হয়েছে একটু আগে, বাঙালি আছে, কৃষ্ণনগর থেকে এসছে, আমাদের কৃষ্ণনগর নদিয়া থেকে এসছে, ঠিক আছে, নদিয়া থেকে ঋষভে এসছে দাদারা এখানটায়। তো দাদাকে একটু দেখাও, এটা আমার ইনসিস্ট, দাদাকে দেখাও। তো দাদারা কেমন লাগছে উত্তরবঙ্গ এসে, কেমন লাগছে? আমরা খুব এনজয় করি এবং এনজয় করছি এবং এখানকার মানুষজন খুব ভালো লাগছে, মানে তাদের যে ওয়েলকাম, আমাদেরকে যে ওয়েলকাম জানাচ্ছে তারা খুব সুন্দর লাগছে, খুব ভালো, খুব ভালো। এখানকার এনভায়রনমেন্ট প্লাস হচ্ছে এখানকার মানুষজন খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। পাক দীপাবলির শুভেচ্ছা সবাইকে, ঠিক আছে, দীপাবলির শুভেচ্ছা। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে ওনারা দক্ষিণবঙ্গ থেকে এসছে এবং কৃষ্ণনগর থেকে এসছে, নদিয়া থেকে এসছে, এবং ওনাদের অভিজ্ঞতা খুবই মসৃণ, মানে দারুণ, অসাধারণ, অসাধারণ। ওনারা খুশি উত্তরবঙ্গ এসে, ওনারাও খুবই আতিথ্যতে খুশি, এবং সবাইকে বলবো উত্তরবঙ্গে আসতে, সবাইকে, সবাইকে বলবো আসুন, আসুন, মানে বাইরে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, আমাদের উত্তরবঙ্গে আসুন, আতিথ্যতায় মুগ্ধ হবেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আমাদের সেরা, আমাদের সেরা, একদম একদম দারুণ, আসুন এখানে, দারুণ দারুণ। এখানকার মানুষজন, এখানকার পরিবেশ খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, অসাধারণ। সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এখানকার মানুষের আতিথ্যতা, অসাধারণ, অসাধারণ, অসাধারণ। আমরা এর আগেও এসছি, অব্বির জায়গায় শিটং গেছি, দারুণ লেগেছে, এখানেও এসছি, দারুণ, দারুণ। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে দক্ষিণবঙ্গ কৃষ্ণনগর থেকে এসছে এবং দাদারা খুবই খুশি উত্তরবঙ্গ মানুষের আতিথ্যতা পেয়ে, স্পেশালি ঋষভ, অ্যান্ড বললো যেটা শিটংয়েও দাদারা ভিজিট করেছে, নদিয়াতে কৃষ্ণনগর থেকে এসছে। তো এখানে আরেকটা ফ্যামিলি রয়েছে, আমরা কথা বলবো এনাদের সাথেও। তো দাদা আপনার ঘর থেকে এসছেন? ভালো লাগার জায়গা, ভালো লাগার জায়গা। আপনারা এসছেন দক্ষিণবঙ্গ? আমরা দক্ষিণবঙ্গ না, প্রপার কলকাতা, প্রপার দমদম। গাইস, তো শিয়ালদহ স্টেশন ঢোকার আগে, দুটো স্টেশন আগে মানে দমদম পড়ে মনে হয়, একটা স্টেশন আগে দমদম পড়ে,
তো দমদম থেকে দাদা এসেছে। উত্তরবঙ্গ হচ্ছে আমার ভালো লাগার জায়গা, এখানে ভালোবাসার মানুষরা থাকে, ঠিক আছে, এখানকার লোকেরা, হ্যাঁ, এখানকার পরিবেশ, এখানকার কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ অসাধারণ, অনবদ্য অনবদ্য। তো ভাতিজি তোমার কেমন লাগছে এখানটা এসে? ভালো লাগছে? অনেক ভালো, অনেক ভালো। তো ভাস্তিরও ভালো লাগছে এবং আমরা ডিস্টার্ব করবো না বেশি, ওনারা বসে আছেন, এনজয় করছেন, নিজের টাইম স্পেন্ড করছেন। তো এখানে এনাদের খুব ভালো লাগছে উত্তরবঙ্গে এসে, এটাই বড় তৃপ্তি উত্তরবঙ্গবাসী হিসাবে। আপ দেখ সকতে ইয়াহ পে ফ্রেন্ডস পাঁচ জন হে, তো দুপুর মে ইয়ে ভাইয়া লোক ইয়াহ পে থে, তো ইনকে সাথ হাম ভি ইয়াহ পে বগল মে লাঞ্চ কিয়ে থে, তো অভি ইয়ে লোক ডিনার কর রহে থে। हम भाई लोगों से पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो आप लोगों को कैसा लगा नॉर्थ बंगाल में आके, उत्तर बंगाल में आके? बहुत अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा। तो भैया को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर, डिनर कर रहे हैं, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगा है। एंड आप लोग कितने देर तक रहेंगे या फिर कल? कल कल निकल जाएंगे आप लोग? तो एक दिन रहने आए थे रिशभ पे, एक दिन रहने आए थे रिशभ पे, ये व्यू देख के बस अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम बिस्वास है। He has liked it very much and he has enjoyed it over here very much. तो अभी डिनर कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो चाहिए बाहर चलते हैं, आइए। मॉर्निंग दोस्तों, अभी जो टाइम हो रहा है ना, अभी 6 भी नहीं बजा है, कल हम लोग बहुत ही जल्दी सो गए थे, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह उठ पा के अभी अच्छा नज़ारा यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ का जो ओनर था तो उनका कुछ दोस्त लोग यहाँ पे बाहर से आए हुए हैं और वो लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। तो ये है व्यू सुबह का इस साइड में, और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे हम लोग को दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे बाकी व्यू देखने के लिए, जैसे कि एक जगह जाएंगे जिसका नाम है छांगी फॉल। तो यहाँ पे सब कोई भैया लोग अभी उठ गए हैं, ठंडे ठंडे मौसम है। तो नीचे आके ना आप लोग कुछ ऐसा व्यू आप लोगों को दिखेगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा जिसमें, और नज़दीक जाके दिखा देता हूँ। सुबह के टाइम में काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा धूप आ गया है और ये धूप बहुत ही मीठा लग रहा है यहाँ पे, और हम लोगों को यहाँ पे सुबह के टाइम में यहाँ पे चाय दिए हैं और हम लोगों को 9:30 बजे यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे छांगी फॉल के लिए, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लिप्स भी दिखाऊंगा वहाँ पे जाके, वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को उस जगह के थोड़ा सा क्लिप्स, जो भी हम लोग वीडियो वगैरह खींचते हैं उसका हम लोग क्लिप्स दिखाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। नज़ारा काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग कभी भी ऋषभ के साइड में आते हैं, लावा से थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए 13 से 14 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा आना है आगे। और ऋषभ में आने के बाद ये कोई सिटी नहीं है, कोई टाउन जैसा नहीं है, जैसे कि लावा में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाँ ये टाउन जैसा है, लेकिन ये जो है ना ऋषभ, ये एक विलेज है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ होम स्टे वगैरह मिलेगा, ठीक है। उतना खास कुछ ऐसा सिटी वगैरह नहीं है, दुकान जो आप लोग देखते हैं ना नॉर्मली दार्जिलिंग में जाते हैं या आप लावा में भी आते हैं तो दुकान वगैरह दिखने को मिलता है, लेकिन आपको ऋषभ में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ पे हर जगह से होमस्टेज वगैरह है और ऋषभ में घुसने के बाद आपको काफ़ी सारे होमस्टे मिलेंगे, रहने के जगह मिलेंगे। वहाँ से भी ना ये वाला होमस्टे थोड़ा सा दूर है और ये थोड़ा सा ऊंचाई में है, इसके वजह से हम लोग अच्छा अच्छा व्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये वाले होमस्टे में रहते हैं ना तो इसमें से आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा। अगर आप नीचे वाले रूम भी ले रहे हैं ना तो भी आप लोगों को यहाँ पे व्यू दिखेगा। अगर यहाँ पे देखिए ऊपर में रूम है, यहाँ पे बैल्कनी है, वहाँ से भी आप लोग काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पे चेयर वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पे चेयर पे बैठ के आप चाय पीते पीते व्यू का मज़ा ले सकते हैं, है ना। तो अभी मेरा दोस्त अभी सो रहा है, शायद उठ गया है। गुड मॉर्निंग। वो भी क्या दो ही ऐसे एक्स्ट्रा मिलता है? एक्स्ट्रा
हाय गाइस, तो चेकआउट का टाइम यहाँ पे हो गया है और अभी हम लोग आसपास कहीं पे घूमेंगे, उसके बाद सीधा घर जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ पे रिसेप्शन में आए थे, तो फिर से और एक बार हम लोग मिल लेंगे राजीव भैया के साथ, जो कि बहुत अच्छे से हम लोग को ख्याल रखा। तो राजीव भैया, आप फिर से कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहता हूँ, जो जिसको मतलब अपबीट पसंद है, आप लोग विजिट कर सकते हैं जरूर। तो एज पर हमी ये सब इन्फॉर्मेशन का दे देते हैं। नाइस। तो बाकी हम लोग डिस्क्रिप्शन सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है और वीडियो में आप लोग तो मिल ही जाएगा। तो राजीव भैया, मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी, फिर से आएंगे हम लोग मार्च अप्रैल में, ठीक है? नहीं नहीं, हाँ जिस साइड से आए हम लोग, लाओ ये रास्ता कहाँ से जाता है? अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, आ रहे और सीधा जाएंगे ना एकदम। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे और भी गेस्ट है पहले से यहाँ पे, और ये लोग काफी बाहर से आए, कोलकाता है उस साइड से आए, और अभी हम लोग बाइक लेके आए, अभी हम लोग निकलेंगे सुबह सुबह यहाँ से। अच्छा व्यू यहाँ पे है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और ठंड भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, लग रहा होगा कि यहाँ पे धूप है, लेकिन धूप में हवा चल रही है इसलिए ठंडा है काफ़ी, लेकिन मौसम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अभी यहाँ से हम लोग रवाना होते हैं, वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत क्लिप्स आप लोग देखेंगे वीडियो के एंड में। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, हम लोग चेकआउट कर लिए और अगले वीडियो पे मिलते हैं, और यहाँ पे अभी आप लोग क्लिप्स वगैरह देख सकते हैं।